पंजाब सरकार वालों स्मार्ट विलेज मुहिम के तहत दूजे पड़ा की शुरुआत कर दी गई है। दूजे पड़ा तहत 2800 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है। अमृतसर के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी वालों इस मुहिम का आगाज किया गया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस राही मुख्यमंत्री पंजाब और राहुल गांधी तो इलावा बाकी कैबिनेट मंत्री भी जुड़े हुए सन, जिन्हों वालों इस स्कीम का आगाज किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे ओम प्रकाश सोनी ने कहा कि इस स्कीम के तहत लगभग 2800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जो पिंडां दे विकास लई लगाए जाणगे। इस तों अलावा उन्हां कहा कि वह भी पंजाब के वातावरण विभाग संबंधी मंत्री रह चुके हैं अते ओह किसानों नूं अपील करदे हैं कि पराली नूं अग ना लगाई जावे अते साडा पिंड साडी जिम्मेवारी, ना कोई अग ना कोई धुआं इस वारी स्लोगन की पालना की जाए। मैं भी एनवायरमेंट का मंत्री रहा, उस वेले भी असी यो जतन किया कि पराली नूं अग ना लाई जाए, क्योंकि ये एनवायरमेंट खराब हों। सो हूँ भी सरकार का इको ही सरकार की कैप्टन साहब की सोच है कि असी अपने पंजाब के वातावरण को ठीक रखना। सो जी पराली आनू अग नहीं लाने। सो मैं समझना जिनी सारे अफसर समान कैप्टन साहब की अगुवाई सारे मेहनत कर रहे हैं। सो किसानों रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि पराली नू अग ना लाइए। साडा यह भी देश है, साडा पिंड साडी जिम्मेवारी, कोई अग ना धुआं इस वारी। सो मैं समझना बड़ा चंगा स्लोगन है, ये लोगों तक भेजना सारा। सो साडे डिप्टी कमिश्नर साहब ते सारे अफसर समान इत्थे मेहनत कर रहे हैं। सो मैं इन्हां दा थैंक कर रहा। प्राइम मोदी अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट।